हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है फ्राइडे का और थोड़ा देर से शुरू हो रहा है आज का व्लॉग। तो गाइस, इससे पहले मैंने नहा लिया था और घर का मैंने अभी काम नहीं किया है। थोड़ा सा तबीयत तो मतलब वैसे तो ठीक है तबीयत, लेकिन जो वही एक लेडीज़ की प्रॉब्लम, मेरी डेट आ गई थी और मुझे ना इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए ना मैं पहले नहा लेती, बाकी का काम करूँगी मैं बाद में। तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में ये रात की दाल बची हुई रखी थी, तो इसी को ही यूज़ करूँगी मैं। तो आटे के अंदर मैंने सारी दाल निकाल ली है। पहले तो मैंने थोड़ी सी ही दाल ली थी, फिर मैंने सोचा ये वेस्ट ही जाएगी दाल, क्योंकि रखी रहेगी ना फिर ऐसे ही रखी रह जाएगी। तो इसको मैंने सारी की सारी दाल जितनी भी थी ना सबको मैंने आटे के अंदर मांड लिया है और काफ़ी अच्छा हो जाता है आटा ना, और एकदम सॉफ्ट भी बनता है। आप इसके पराठे बनाइए। और जैसे कि कढ़ाई में ना पहले से ही तेल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए क्या पराठे बनाऊंगी, फटाफट से बना लेती हूँ इसकी पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी सॉफ्ट बनी थी। दाल के तो वैसे भी अच्छी लगती है, पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कढ़ाई के अंदर तेल रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलिए पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ। और अभी दो दिन से तो पूड़ियाँ ही चल रही हैं, तो बना लेती हूँ पूड़ियाँ। और फिर बेटे को भी जाना है। आज मैं भी अपना नाश्ता करके ही बाकी के सारे काम करूँगी और थोड़ा आराम से ही करूँगी, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना तो मुझे थोड़ा फीवर जैसा हो जाता है, पैरों में मेरे इतना ज़्यादा दर्द होता है। मन तो नहीं है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। बस ये कि थोड़ा सा मैं आराम से कर लूँगी। और चलिए नाश्ता बना के, नाश्ता करके और बेटा चला गया था, तो अब कर लेती हूँ मैं घर के काम। और आज मैं ज़्यादा मेहनत वाले मतलब ज़्यादा वैसे काम नहीं करूँगी। तो बेडशीट को ना मैंने ऐसे ही झाड़ दिया है और पिलो कवर वगैरह जो है उनको ठीक कर देती हूँ। और ये बेड पे ना कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड का जो बैग है ना वो लेके जो जाते हैं वो हो गया था ख़राब, उसकी जो जिप है ना वो ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने अपने जितने भी ये टैब वगैरह हैं, दवाइयां हैं उनकी, वो निकाल दिए हैं। दवाइयां वगैरह भी वो अपने बैग में ही रखते हैं। ये कुछ कपड़े थे, एक्स्ट्रा कपड़े थे, ये देने के लिए रखे हुए हैं मैंने, तो ये चेयर के ऊपर ही रखे थे, तो ये इधर से उधर ही घूम रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। तो अभी ना इतना टाइम नहीं लग रहा था कि किसी को मैं देकर आ जाऊं, या फिर अगर नहीं देने हैं या फिर जो बर्तन जो मुझे एक्सचेंज करने हैं ना, बर्तन लेने हैं, वो भी नहीं आ रहा था। लगेगा मुझे कि किसी को अगर कोई ले लेगा तो मैं दे दूंगी, और नहीं तो मैं फिर बर्तन ले लूँगी। तो इनको ना मैं एक चुन्नी के अंदर ऐसे ही बांध करके रख देती हूँ और अपनी अलमीरा में या फिर जो मेरा बेड का हेडबोर्ड है ना उसके अंदर डाल करके रख दूँगी, जिससे ना ये सामने ना दिखाई नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं ऐसे। और ये बैग था हस्बैंड का जो ख़राब हो गया है, देखती हूँ अगर ये ठीक हो जाएगा तो ठीक करा लूँगी, नहीं तो फिर दूसरा ही लाना पड़ेगा। और अभी तो हस्बैंड ना बेटे का बैग ले करके चले गए थे, तो चलिए उस वाले रूम को तो मैं ठीक करके आ गई हूँ। और अब ये कुछ कपड़े थे मेरे, ये जो तीज वाला सूट है ना ये मैंने पहना हुआ था, तो शाम के टाइम निकाल दिया था जब मैंने खाना बनाया था, तो यहीं पर रख दिया था क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही पहना था तो गंदा नहीं हुआ था। और इसको ना मैं फिर दोबारा से एक बार और पहन लूँगी, तो मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। और ये वाली बेडशीट तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रखा है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेट जाते हैं सुबह के टाइम या दिन के टाइम लेट जाते हैं। तो बेडशीट को ठीक करने से पहले मैंने बेड की डस्टिंग कर दी है, और बाकी उस वाले रूम की मैं डस्टिंग करके आ गई थी, और अब कर लेती हूँ इस वाले बेडशीट को भी ठीक कर लेती हूँ। आज मैंने नहीं झाड़ा था, ऐसे ही बस इसको मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि गंदी नहीं थी, बस ऐसे ही आगे पीछे खींच करके इसको मैंने ठीक कर दिया है। और अब लगा देती हूँ ये पिलो कवर भी, और इसके साथ लगा देती हूँ कुशन कवर। अंदर रूम दोनों ठीक करने के बाद मैंने बाहर की डस्टिंग भी कर दी थी और सोफ़े कवर झाड़ करके बिछा दिए हैं, सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं। और अब लगा लेती हूँ पोचा। इस टाइम पे ना बरसात का मौसम है, तो अजीब सी घर में ना स्मेल आने लग जाती है, और थोड़े से ना हमारे घर के पीछे ना खुला हुआ है, तो वहाँ से भी हल्की हल्की सी सीलन आ रही है, क्योंकि बरसात अभी 2-3 दिन से ना काफ़ी हो रही है, तो अजीब सी स्मेल हो रखी थी। तो मैं आजकल ना, वैसे तो मैं डालती हूँ
पानी के अंदर मैंने डाल लिया है लाइजोल, उससे ना बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, घर में अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। और तीनों चारों ना मैं जितने मतलब दोनों कमरों के और जो ड्राइंग रूम है उसका ना फैन चला देती हूँ, जिससे ना पोछा जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाते हैं। और क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सीला सीला सा रहता है घर में भी, तो फैन चला के ना अच्छा सा हो जाता है, एकदम सूखा सूखा जल्दी से भी सूख जाते हैं। और मुझे मशीन भी लगानी थी, तो मशीन में ही धोऊंगी कपड़े, आज मैं हाथ से नहीं धोऊंगी, हस्बैंड वाले जो कपड़े हैं ना वो आज मैं छोड़ दूँगी। तो चलिए, दोनों रूम में मैं पोछा लगा करके आ गई थी और अब लगा लेती हूँ बाहर से भी। टोटली घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, लास्ट में मैं लगा रही हूँ मशीन। और जैसे कि मैं सुबह ही नहा ली थी, अब मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि शरीर में ना थोड़ी थकान सी भी हो रही है, फीवर जैसा लग रहा है मुझे, तो अब मैं नहीं नहाऊंगी। सुबह मैं नहा चुकी हूँ और थोड़े से ही कपड़े थे इनको लगा देती हूँ। वैसे तो बरसात का टाइम हो रखा है, मौसम ना ऐसे ही हो रखा है, सुबह के टाइम तो सही था लेकिन इस टाइम पर ना बादल हो रखे हैं तो अचानक बारिश आ सकती है। तो चलिए फटाफट से लगा देती हूँ मशीन, और अगर बारिश आएगी तो फिर मैं घर में ही डाल लूँगी कपड़े। ये जो सेंटर टेबल है ना, इसको मैंने छोड़ दिया था कि इसको तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं सेंटर टेबल को, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे सूखा कपड़े से तो मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन जो चाय के दाग धब्बे थे ना वो रह गए थे, तो अब मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। बर्तन मैंने तभी धुल दिए थे नाश्ता करने के बाद, जब अंदर गई थी ना मैं, अपना जो बेडरूम क्लीन किया था उससे पहले ही मैंने अपना किचन भी क्लीन कर दिया था, खाना बनाने के बाद ही क्लीन कर दिया था नाश्ता करके। तो बर्तन भी मेरे अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं और अब इनको लगा देती हूँ इनके अपने प्लेस पर, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और किचन में ना भरा भरा सा भी लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और बर्तन अपनी जगह लग जाते हैं तभी संतुष्टि मिलती है, नहीं तो अच्छा सा नहीं लगता है। चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ बर्तन। बारिश हो रही है गाइस, और बिल्कुल इस अभी थोड़ी देर पहले तो इससे भी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, अभी तो फिर भी थोड़ा सा खुल गया है। और कम से कम एक से भी ज़्यादा घंटा हो गया है, एक घंटे से भी ज़्यादा हो गया है बारिश होते हुए। गाइस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, सर में मेरे ना बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा था, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और बारिश तो बंद ही नहीं हो रही थी आज, मतलब काफ़ी देर बारिश हुई है, मौसम ना अभी भी एकदम अंधेरा अंधेरा हो रखा है, शायद अभी तो बंद हो गई है बारिश। हाँ अभी तो बंद हो गई है, लेकिन चारों तरफ ना पानी पानी भरा हुआ है, गली में भी पानी भरा हुआ है, थोड़ी देर में निकल जाता है जैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी शायद बारिश बंद हुई है। और अभी आ गया था दूध वाला, तो मैंने दूध ले लिया है, यहाँ रख दिया है एक साइड में बॉईल करने के लिए दूध को, और मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे हो रहा है सर में दर्द। और मशीन तो मैंने लगा दी थी बाहर, तो कपड़े डाल नहीं सकती क्योंकि बारिश ही आ रही है, तो कपड़े ना मेरे मशीन के अंदर ही रखे हुए हैं, तो अभी मैं उनको अंदर ही फैला दूंगी, कहीं ना कहीं लटका दूंगी गेट वगैरह पे, जिससे ना हवा से सूख जाएंगे। एक साइड में दूध हो रहा है गरम और एक साइड में बन गई है मेरी चाय, तो जब तक मेरी चाय पकेगी ना मैं यहीं पर ही खड़ी रहूँगी गाइस, क्योंकि दूध जो है ना एकदम निकल के आता है, अगर जैसे ही नज़र बसती है ना वैसे ही दूध निकल जाता है, तो मैं खड़े होकर के यहीं पे दूध गरम कर लेती हूँ। और ये कपड़े थे जो मैंने नहीं डाले थे, मशीन में छोड़ दिए थे मैंने ऐसे ही, तो इनको मैं अब यहाँ पर ही लटका देती हूँ। पहले से मैंने सोचा था कि बाहर अगर मौसम खुल जाएगा तो मैं वहाँ पर डाल दूँगी, लेकिन आज ना बारिश मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही थी, बस जैसे 5 या 10 मिनट के लिए बंद हो रही थी फिर से आ जा रही थी, तो मैंने नहीं डाले थे। फिर अब चलिए अब डाल ही देती हूँ, क्योंकि अब तो मौसम भी नहीं है, रात को फिर से बारिश आ जाएगी तो ऐसा ही हो जाएगा। ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।